अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश विदेश, राजनीति, खेल जगत और क्षेत्र की बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग सुपर फाइव में। CA प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले 53 उपद्रवियों के लगे पोस्टर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हिंसा हुई थी, इस बीच सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। अब जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की पहचान के लिए शहर में पोस्टर लगाए हैं। कोरोना वायरस का मणिपुर में आतंकी उठा रहे हैं फायदा, मास्क बेचकर बना रहे हैं पैसे। मणिपुर में आतंकी संगठन का कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी कोरोना वायरस के मास्क म्यांमार में से बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहा है। बता दें कि म्यांमार में जरूरत की लगभग सभी चीजें चीन से आती हैं, यहां तक कि खाने का सामान भी वहां चीन से ही आता है। ऐसे में म्यांमार बॉर्डर पर कोरोना वायरस का भय फैला हुआ है, क्योंकि वहां के लोगों को डर है कि जो सामान चीन के जरिए आ रहा है उसी के जरिए कहीं कोरोना वायरस भी ना आ जाए। यही कारण है कि वहां पर सर्जिकल मास्क की मांग जोरों पर है और लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। यस बैंक ने डिफॉल्टर कंपनियों को कहा यस और खुद फंस गया संकट में। यस बैंक के इतिहास को देखें तो इस बैंक ने भारत की ज्यादातर ऐसी कंपनियों को पैसे दिए जिनका वित्तीय रिकॉर्ड साफ नहीं था। यस बैंक की पिछले कुछ सालों में लगातार एक के बाद एक कई झटके झेलने पड़े और वित्तीय हालत खराब होती चली गई। गुरुवार को एक और झटका लगा जब RBI ने यस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी। सचिन तेंदुलकर की भारतीय महिला टीम को सलाह, मैदान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए। ICC महिला T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम को T20 विश्व कप फाइनल के लिए सकारात्मकता के साथ मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सलाह दी। स्क्रीन पर आज आमने सामने होंगी बागी 3 और कामयाब, क्या सिल्वर स्क्रीन पर कर पाएंगी धमाल। बागी 3 फिल्म बागी सीरीज का तीसरा भाग है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आज दर्शकों के सामने फिल्म कामयाब पेश की जाएगी। मॉर्निंग सुपर फाइव में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।